हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की, जो कि यस अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश में। सो इनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये है इनका वेब पेज या वेबसाइट या होम पेज, जो भी कहिए। सो ये है इनकी वेबसाइट, आपको इसके लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो आपको इस पर विजिट करना होगा, और ये फ़िलहाल डेस्कटॉप साइट है। एंड आई सजेस्ट यू कि आप भी डेस्कटॉप साइट ओपन करें, यहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप साइट, राइट। सो यहाँ पर आपको पहले देखिए कैंपस वगैरह जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो वगैरह है और प्रधानमंत्री जी की भी है। सो देखिए यहाँ पे आपको, वैसे तो यहाँ व्हाट्स न्यू में ही दिख रहा है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल्स ऑफ रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, राइट। सो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको दिख रहा है रेगुलर टीचिंग वैकेंसीज़ और नॉन टीचिंग, और सॉरी आई मीन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग पोस्ट, इन दोनों के लिए ही अभी एप्लीकेशंस ओपन हैं और डेट्स भी हैं। सो इसलिए यहाँ पे दोनों ही अभी एक्टिव हैं तो दिख रहे हैं। सो इसे भी आप डेस्कटॉप साइट पे ओपन कीजिएगा। सो देखिए ये डेस्कटॉप साइट है। फिर सबसे पहले देखिए ये जो रेगुलर वाला है ना, इसकी डेट यहाँ पे दिखी है 1/3, दैट इज़ 1st of March, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो है 20 फरवरी तक। तो हम पहले कॉन्ट्रैक्चुअल वाला ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचिंग पोस्ट है। सो आप जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, यहीं से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ जो भी पोस्ट है आप फिल कर सकते हैं। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सो टीचिंग पे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे है डिपार्टमेंट जो अब आएगा। सो यहाँ से आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि किस में आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सो बिज़नेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़, अवधि लैंग्वेज और BBA, इनमें आप चाहें तो टीचिंग के लिए कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बाकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा, बट हमें ऑब्वियसली डिटेल्स तो देखनी है। सो डिटेल्स के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन एडवर्टीजमेंट, पे और फीस, और ये सारी चीज़ें। और क्वेरीज़ के लिए नंबर भी दिया हुआ है, सो आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। तो हम एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं और उसे देखते हैं पहले। सो ये है एडवर्टीजमेंट, 20 फरवरी से पहले आपको भेजना है। सो मतलब अप्लाई करने के बाद आपको ये फॉर्म, एप्लीकेशन ऑनलाइन जो किया उसका फॉर्म और साथ में सारे एनेक्सेस के साथ आपको 20 फरवरी से पहले भेज भी देने हैं, ऑन और बिफोर 20 फरवरी 5 PM, राइट। और यस, ये इसी के बारे में है। बाकी आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, हमने सब्जेक्ट देख लिया है, आप और डिटेल चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो यहाँ से आप ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसे पढ़ सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो एक बार ओपन करते हैं, उसे देखते हैं पहले। सो ये देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग पोस्ट क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सो एनवायरमेंटल साइंसेज असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एक पोस्ट है EWS की, सो कैटेगरी आप देख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ही पोस्ट है। सो देन है केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है, फिजिक्स की 1, मैथ्स में 2 हैं, कंप्यूटर साइंस में अगेन 2 हैं, बायोकेम में 2 हैं, जियो फिजिक्स में 2 हैं, देन जियोलॉजी में 2 हैं, देन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, DM, CA, देन मासकॉम है, जर्नलिज्म है, ज्योग्राफी है, ऐसे देख लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा और इनकेस आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 1500 और बाकियों मतलब कि SC ST PH और वुमेन के लिए है 1000। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आपको इंटरव्यू होगा आपका ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं, अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 by 1 इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी मेंशन है। सो ये सब हम जो रेगुलर पोस्ट है जिसके लिए ये वीडियो था उसे देखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोसीड पे, जो रेगुलर के सामने, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से देख सकते हैं डिटेल्स। तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं डायरेक्टली, उसमें हमें सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। सो ये देखिए ये है रेगुलर टीचिंग पोस्ट, किस किस सब्जेक्ट में है वो देख लीजिए, डिपार्टमेंट देख लीजिए। सो इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, देन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, देन मैथ्स, स्टैट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, अंबेडकर चेयर, देन इकोनॉमिक्स। तो किस किस पोस्ट पे, मतलब पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है या प्रोफेसर की है वो भी देख लीजिएगा, और सीट्स वगैरह भी, ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। सो इसीलिए मैंने 1 by 1 नहीं मेंशन किया, टोटल 27 डिपार्टमेंट्स हैं। रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट कौन कौन सी है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, बस। एप्लीकेशन फ़ी सेम है, 1500 है जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, और 1000 है SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं जनरल आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा।
और आपको जो भी आपकी कॉपीज़ हैं वो अपलोड करनी है, और साथ में आपको इसे भेजना भी होगा। सो उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह मेंशन है, बेसिकली मास्टर्स डिग्री बोला गया है, देन नेट या स्लेट वगैरह क्वालिफाइड हो, या फिर और में है PhD। सो बिना PhD भी अप्लाई तो किया जा सकता है, बट फॉर श्योर जो PhD होल्डर्स हैं उन्हें ही प्रायोरिटी दी जाती है। सो यस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम वापस होम पेज विजिट करते हैं, जो लास्ट डेट है हम पहले उसे देख लेते हैं। सो ये है जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पेज, जो कि सेम ही है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने कहा आप उसे एक डाउनलोड करेंगे तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे 16th पॉइंट जो है, जो उस वाले PDF में भी था, हम इसे देख लेते हैं। यहीं पे डेट्स ऑलरेडी मेंशन है, तो डेट्स इन द सेंस, देखिए आपको अप्लाई करना है 1 मार्च तक, वो तो हमने देखा, इससे 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, एक मतलब कि 1 मार्च तक अप्लाई करना है, तो इसके बाद विद इन 4 डेज, दैट इज़ 5th मार्च से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में जो भी एनेक्शर्स हैं, जो भी आपको एनक्लोजर्स भेजने हैं, वो सभी 4 दिन के अंदर अंदर 5 मार्च तक आपको इनके कैंपस तक पहुंचाना है। और एड्रेस कहाँ रहेगा, वो रहेगा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार का, और ये रहा पूरा एड्रेस, राइट। सो आपको इन्हें भेजना है, ठीक है। सो इसे भी ध्यान रखिएगा, भेजना भूल मत जाइएगा इनकेस आप अप्लाई कर रहे हैं तो। तो अब हम इसके वेब पेज पे फिर से विज़िट करते हैं। सो यस, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी। अब इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा पोस्ट, देन आपको सेलेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट, सेंट्रल लाइब्रेरी, देन सिमिलरली आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, प्रॉपर रजिस्टर करना है, फी वगैरह पे करनी है, और साथ में जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है और एनक्लोजर सारे वो आपको भेजने भी हैं, राइट। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, नहीं हेल्पफुल लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और यस, ये था वीडियो, थैंक यू सो मच।